बैंगलोर में थी तो कभी नहीं थी थी फास्ट टाइम पहुंचा देख दले तो रात को टोपी उड़ा दले ना जी पहली बार रोड को एक तरी करा मैं तो दे बड़े दे तो बड़ा तुम्हारे ससुरे बेस्ट है रे अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ लिए और इसका भुना शुरू होगा पेट्रोल इसने कहा था हाफ गिफ्ट हुई तो दूस ढकल लगाना तो मैं तो बैठे रह दूंगा इसके फुल लेम बात हम ये कुत्ते क्या फ्रेंडली हिंदी क्या सता रही हिंदी हो जो उनको सता रही हम वहाँ तो बाबा का अच्छा सता रहा होने मन को पार्क बुला लेगा गए थोड़ी वॉकिंग करेंगे उसके बाद जो खा को ही उसका हजम भी करना नहीं चलो पुष्पांजलि पार्क किए जमाने के बाद आ रही इंसान इन्हें लग कहीं कहा सिनेप जिम कर रहा था क्या कि कुत्ते की परेशानी होगी अभी यहाँ एक कुत्ता आ रहा पीछे अल्लू अल्लू का इधर एक इन्हें पीछे पीछे ये चारा ना रहा बाबा हमारे जल्दी भाग झाड़ंग बीच से भाग जी माँ वो पार्क से पहले बाहर आ गया अच्छा हुआ वो कुत्ते की परेशानी अलग वो अंकल की एक्सरसाइज अलग समझ में आ रही नहीं तो ग्राउंड पार्क नहीं माशाल्लाह कितने बहुत ज्यादा दिनों के बाद उन भी तो नहीं खाली कबूतर उड़ रही कबूतर देखने चाया ये पीस टाइम एंजॉय कर ले घर पे जाइए हाउ यू फीलिंग डूड तो अल्हम्दुलिल्लाह नहा धोकर रेडी हो चुके हैं नमाज को जाने के लिए और अभी हमारे दोस्त आएंगे हमें पिक करेंगे और हमें जाएंगे नमाज को ये क्या होती मेरे बाल बहुत लंबे हो गए नहीं तो ईसाई साथ लंबे करेंगे कि शॉर्ट कर देंगे कमेंट करो तुम्हें क्या बोले तुम्हें क्या मेरा दिल क्या बोलेंगे वो करने का गुलाब जामुन इतना लेट कर देंगे जुम्मे की नमाज की शर्म नहीं कहते तुम ना इतना लेट कर रही है इनके वास्ते हमें कभी लेट हो दोस्त मैं भी तुम्हें क्लीन कर रही ये बात तो मंजे भी तुम ना मालूम थी इन्हें भी काला कैसा होगा घास हमें तीन जने सेम हो गए ना जे अब दूसरे को अंदर देख को बोले तो यूनिफॉर्म पहन ली क्या तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम चलो फर्स्ट टाइम पूजा देख दले तो रात को टोपी उड़ा दले ना अब फास्ट में ले लेगा बेटा जल्दी नमाज को जाना टोपी उड़ा दा लेना जे अब तो टाइट दबा लियो हेलमेट के जगह अब आंधा होना टुन नॉक्स होगी नमाज को जाते नहीं के जय सुनो आ रमजान की साते बढ़ाती है अल्लाह हाँ ने नेमते है ये मगफिरत और रहमत का अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हम खादरिया को अरफात की वजह से कालू मेरा बेटा नहीं रहे हमें तो जने पेन थी मई तू कई पेन आसो फर्स्ट कौन मई पेन आसो तू देख को कॉपी कर रहा है मेरा पहले मई पेन आसो उसके बाद शेब हल्लू फोन में मालूम कर ले ओए काला जुबा पहन रहा सो मई भी डल लगा जा तू उसके बाद कॉन्फ्रेंस में था ना तू भी देख ले आ गए चोर मेरा बड़ा था देख ले लड़ना नहीं बेटे जुम्मे का अचानक मुअत्तर फिजा हो गई मुखालिफ हवा दिल रुबा हो गई लगायूं के राजी चप्पलां पिघल गए शेप चप्पलां पिघल के गए क्या खतरनाक धूप है बाबा बैंगलोर में थी तू कभी नहीं थी थी यल्ला जुम्मे के दिन दुआ कर बारिश बरसा डालो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज सब अदा कर डाले और अभी घर करने जाएंगे और आज का दिन कैसा गुजरता देखेंगे शाम का इफ्तारी का प्लान शेब आ रही तुम्हें इफ्तारी को तुम्हें आ रही तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी का टेम्पो ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे नहीं तो उससे पहले शुरू करेंगे कहते तब तक के वास्ते स्टे ट्यून असर का वक्त होगा अभी जा रही असर की नमाज को और इसके बाद इफ्तारी के वास्ते निकल जाएंगे डायरेक्ट गए तक बराबर हो जाता टाइम और बीच में इतने मसले मसाइल हो गए थे धूप में निकला भी मैं पड़ा बाहर इतना धूप था बाहर फिर रोजा लग गया सका फील हो रहा आज उतने दिन के बाद रोजा लग गया सका फील हो रहा
बाकी खराब थे मगाशे बोले हमें तीन जने गिरते हुए देख डाले। अब हमें इख्तियारी के जालक थे, रास्ते में हमारी गाड़ी का क्लच वायर टूट गया। अब हमें यहाँ खड़ी क्या करना मालूम, क्या अरफा था जे, खराब टाइम चल रहा हमारा, तोड़ लिया दुकान भी बंद जाएगा थे जो। अब यहाँ चिपचारी खजूर ले लगा भी कंता भी आ जा रहा मुझे। अब होगा जुल्लो आज नया एक्सपीरियंस, रोड पर इख्तियारी कर रहे हैं। अब कहाँ तो जाकर सामने देखो इख्तियारी करना। बिस्मिल्लाह करो, माशाल्लाह माशाल्लाह पी लियो बताज करे दुआ पड़े सो क्या आज दुआ पड़िया सो भी रंग क्या करे डाउट कर रहा थी पटाखा फोड़ के लेता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्लॉग याद करोगा कहां बैठो मैं तैयारी कर रही पहली बार। चाहिए कैसा था एक्सपीरियंस माशाल्लाह। कौन सूझे थे घर बैठा होता पानी दियो भी अभी अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बट सुकून मिला पानी पी को। ना खाली पैसे भर को पड़े रुपए में इतने बड़े ना पैसे इतने बड़े दे इतने बड़े तुम्हारे ससुरे बेचती है से कंट्रोल। ओ चाय पी देंगी लुल्लू लुल्लू तुम्हारा अब्बा बोलो चाय पी दें सो। वाह मस्त है। One hour later finally अभी घर को आ गए, जद्दोजहद जारी रहेगी दोस्तों, हम रुकने वाले से नहीं, कल को बोल दो आ गया वापस। तो आज का दिन बड़े मसले मसाइल से गुजरे। पहले तो धूप इतनी थी उधर ही सुस्त होगा, फिर बाहर गया था हमारा मम्मी के साथ उधर भी सुस्त होगा, फिर ऊपर से आप इफ्तारी करने जाएंगे अगर दोस्त हम पूरे रेडी हो गए, गाड़ी का क्लच वायर टूट गया, उधर ही टाइम होगा रोड पर गाड़ी रेडी होने के बाद वहाँ से इफ्तारी करना पड़ा। एक नया एक्सपीरियंस होगा आज, पहली बार रोड पर इफ्तारी करा हमें। और इसके बाद अभी तो तरावी का टाइम होता है, ईशा का टाइम होने वाला है, इससे आगे मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सकता। अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, फजी थी फयास कर दो, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।